ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। তিন দিনের লাগাতার অশান্তি এবং ২৪ জনের মৃত্যুর পর অবশেষে পথে নামলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। হিংসা বিধ্বস্ত মজপুরে গেলেন তিনি এবং সেখানে গিয়ে কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। Everybody will stand up with their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज दादा जी डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। ओके सर, वी टेक अ स्ट्रांग स्टेप फॉर अस सर, वी आर बिलीव यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आई गिव यू माय वर्ड ऑफ ऑनर, वी विल डू एवरीथिंग। अरे यार आए हैं ना, अरे एच एम साहब ने आगे भेजा तो हम अकेले थोड़ी आए, भाई पीएम साहब के हुक्म से आए, एच एम साहब के हुक्म से आए, पूरी उनको ये मोहतरमा को तो जाने दे रहा आराम से। একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আজকে পথে হিংসা বিধ্বস্ত মজপুরে আজকে তিনি পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। অন্যদিকে শান্তির জন্য পথে নামলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সদর দপ্তর থেকে শান্তি মিছিলে সামিল হলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, যদিও পুলিশ ব্যারিকেড করে দেওয়ার জন্য পথেই বসে পড়েন তিনি। मौजपुर की गलियों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको एनएसए अजीत डोवाल जो हैं वो नजर आएंगे। एनएसए खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को आराम से रहने की जो हिदायत है, जो सलाह है, वो एनएसए दे रहे हैं। और एनएसए खुद दिल्ली की गलियों में पहुंचे हैं क्योंकि एनएसए ने खुद अपने हाथ में सारी की सारी जो कमान है वो ली है अब। और दिल्ली में जिस तरीके के हालात रहे हैं उसके बाद में अब आप देख सकते हैं कि एनएसए तमाम जो गलियां हैं उनमें होकर गुजर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहां पर पूरा इंतजाम कर रही है। एचएम साहब के ऑर्डर पर हम सब लोग यहां पर हैं, एचएम साहब ने पूरा अरेंजमेंट किया है यहां पर, और पुलिस पूरे सब लोग जो यहां पर इंतजाम है, सबकी सुरक्षा की भावना है, हिंदू मुस्लिम सब इलाकों के अंदर में बिल्कुल एक कहती है। एनएसए अजीत डोवाल मौजपुर की तमाम उन गलियों में पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था। और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि एनएसए अजीत डोवाल लगातार अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल फिलहाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से यही अपील भी उनकी लगातार है कि शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जा सके, वो कायम रखी जा सके। देयर इज नो ओनली मैसेज टू द पीपल इज टू कंटेन इट, हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस मुस्तैदी के साथ में अपना काम कर रही है, चारों तरफ जो है पूरी वो है। एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया है, एक एक गली के अंदर आप देखिए, आप इन इलाके के अंदर में लोगों से बातचीत करिए। एनएसए जी डोवाल का यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही, फिलहाल जो पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो तमाम इलाके में यहाँ पर डिप्लॉयड है, यही एनएसए अजीत डोवाल का कहना। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यही कोशिश रही कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए और दिल्ली एक बार फिर से जल्द पटरी पर लौटे। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। দিল্লির অশান্তিতে একদিকে যেখানে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন ২০০রও বেশি, অসংখ্য মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। हमारा संघर्ष आज क्या है, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा, आप सब ने काम किया चुनाव में, यह आपका शहर है, इस शहर को तबाह किया जा रहा है, यहाँ पर दंगा फैलाया जा रहा है, जो आपसी प्रेम है जिससे सदियों से हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, इस शहर में लोग आगे आगे ऊपर, इस शहर में लोग आमदनी ढूंढने आते हैं, काम ढूंढने आते हैं, और जो भी आता है उसका प्रेम से यहाँ स्वागत होता है, वो यहाँ बसता है, अपना घर बनाता है, ये हमारा शहर है।
आज इस शहर में आग उगल रही है, नफरत उगल रहा है। हम सब कार्यकर्ता हैं, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके जरिए इस देश को आजादी मिली, जिसके संघर्ष में सब शामिल हुए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति की बात फैलाएं, हम अमन रखें, जो पीड़ित है उसको मदद करें। जहां जहां दुख हुआ है, जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां हिंसा फैल रही है, वहां हम प्रेम फैलाएं, वहां हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। तो यहां हम इसलिए आए क्योंकि हम गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में शांति हो, सरकार की जिम्मेदारी है, वे इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले, हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे, जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मदद हो, जो अस्पताल में है उसकी मदद हो, जिसके घर जलाए गए हैं उनकी मदद हो और आपसी प्रेम कायम हो, हमारी यही मांग है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो उन घरों में जाइए जहाँ पे दुख हुआ है, जहाँ पे पीड़ा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए थे उसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया था। घर घर में गई थी, हिंदुओं के घर गई थी, मुसलमानों के घर गई थी और उन्होंने प्रयास किया था कि आपस में बातचीत हो, कि आपस में प्रेम दोबारा बने। मुझे याद है मैंने पढ़ा कि चांदनी चौक गई थी, वहां पे उन्होंने सिर्फ मात्र 10 परिवारों को इकट्ठा किया, मात्र 10 परिवारों को, और उनको चाय पे बुलाया एक जगह। वहाँ पे हिंदू परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, ईसाई परिवार थे और उन्होंने उनकी बातचीत कराई। उन्होंने इसी छोटी से छोटी तरह से उन्होंने दोबारा प्रेम को कायम करवाया और यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। तो मैं आप सब से दोबारा अनुरोध करती हूँ कि आपका धर्म अहिंसा है, आपका धर्म सेवा है। आज आपकी जरूरत है, आपकी बहुत जरूरत है कि आप घर घर में जाकर प्रेम की बात करें और शांति की बात करें और हम सब आपके साथ हैं, हम सब यही प्रयास करेंगे। हमें चाहे सरकार कितना भी रोके, हमें यहाँ से गृह मंत्री जी के घर जाने नहीं दे रहे, ठीक है हम यहीं पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम देश को जागरूक बनाएं, कि जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो। हमने बार बार ये कहा है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म आपसी शांति को फैलाना है। इस बात को ले जाकर आप घर घर में जाइए और मैं खास तौर से दिल्ली के वासियों से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि हिंसा मत करिए, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपको पीड़ा होगी, आपको दुख होगा। ऐसी राजनीति खराब राजनीति है, इसमें से हम सबको निकलना है, देश को निकलना है। तो आज हम चाहते हैं कि आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं और तमाम देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी की बात, नेहरू जी की बात, जो कांग्रेस की मूल बात है अहिंसा की, उसको आगे बढ़ाएं, उसको फैलाएं, ताकि हर दिल्लीवासी और देशवासी के दिल में नफरत के बजाय प्रेम के बीज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी महासचिव प्रियंका